आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 28 जुलाई 2020 को सुबह सवेरे साइन न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको आज बताते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस तरह का काम सिवनी में कराया जा रहा है। सिवनी में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक गर्ल्स हॉस्टल है। ये गर्ल्स हॉस्टल 2014 में आरंभ हो जाना चाहिए था, पर 2020 का जुलाई महीना आ गया है, अब तक ये गर्ल्स हॉस्टल चालू नहीं हो पाया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सुधीर श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं, हम आपको जो दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के द्वारा इस काम को कराया गया था। 50 शैया के कन्या छात्रावास शासकीय पॉलिटेक्निक परिसर सिवनी में इसका निर्माण कराया जा रहा था। इसके निर्माण एजेंसी के रूप में ARP सेल्स एंड इंजीनियरिंग भोपाल को पाबंद किया गया था। इस काम की कुल लागत 2013 में 79.25 लाख रुपए थी और इस कार्य को पूरा 9 महीने के अंदर करना था। इस कार्य का आरंभ 11 जनवरी 2013 को कराया गया था। इस लिहाज से अक्टूबर माह में इसे पूरा कर लिया जाना चाहिए था, पर विडंबना ही कही जाएगी कि अक्टूबर माह बीतने के बाद भी इस 2013 के बाद 2020 में अक्टूबर माह आने को है, पर यह गर्ल्स हॉस्टल चालू नहीं कराया जा सका है अभी तक। हम आपको दिखा रहे हैं, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का मैदान है। इस मैदान पर शासकीय कार्यक्रम, अनेक शासकीय कार्यक्रम होते हैं। यहाँ ये मैदान पूरा गाजर घास से अटा पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ मवेशी, आवारा मवेशी भी स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। खेल के मैदानों की कमी सिवनी में किसी से छिपी नहीं है। सबके बाद भी इस इकलौते बचे जो सभी खेलों के लिए उपयोग में आता है, ये हम जो आपको दिखा रहे हैं पॉलिटेक्निक आवासीय परिसर है। ये आवासीय परिसर भी किस तरह जर्जर हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ टायरों के निशान आप देख रहे हैं। लोग यहाँ वाहन चलाना भी सीखते हैं। इस मैदान पर खेल के अलावा वाहन भी चलाए जाते हैं, वाहन सिखाए जाते हैं। सिवनी में एक भी अधिकृत कोई ड्राइविंग स्कूल नहीं होने के बाद भी यहाँ न जाने कितने लोग वाहन सीख रहे हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं पॉलिटेक्निक के गर्ल्स हॉस्टल का, हम अंदर से आपको चित्रण करा रहे हैं। ये पॉलिटेक्निक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर का नज़ारा है। यहाँ खरपतवार उगी हुई है, झाड़ियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ झाड़ियाँ हैं। और ये देखिए, रेत भी पड़ी हुई है। इसका मतलब 2013 से 2020 में भी यहाँ निर्माण कार्य अभी भी जारी है, ये माना जा सकता है। मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, साइकिलें खड़ी हुई हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। कितनी गंदगी, कितनी झाड़ झंखाड़ आपको यहाँ देख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सुधीर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। साई न्यूज में मंगलवार 28 जुलाई 2020 को एक बार फिर आपका स्वागत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सुधीर श्रीवास्तव भोला की ये रिपोर्ट है। गर्ल्स कॉलेज के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह यहाँ पर खरपतवार उगी हुई है, झाड़ियाँ आपको साफ दिखाई दे रही हैं। यहीं से लगी एक हाउसिंग बोर्ड की समता नगर कॉलोनी है। समता नगर कॉलोनियों के निवासियों, कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि बरसात के समय यहाँ जो कीड़े काटे अन्य विषैले जंतु है वो यहाँ से उनके घरों में प्रवेश कर जाते हैं। बेहतर होगा कि इस पूरी परिसर के अंदर जो गर्ल्स हॉस्टल परिसर है, कन्या छात्रावास परिसर है, उसके अंदर पूरी सफाई कराकर वहाँ मरम अगर डाल दी जाए कुछ। ये देखिए आप, यहाँ पर लोहे की सलाखें भी दिख रही थी, लोहे की राडें पड़ी हुई हैं, रॉड्स के और रेत को देखकर यही लग रहा है कि ये रेत देखिए, यहाँ निर्माण कार्य अभी जारी है। लगातार 2013 से 7 साल बाद भी इसका निर्माण कार्य जारी है।
यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में जिलाधिकारी सहित जनप्रतिनिधि भी, ये सलाखें आपको दिख रही हैं यहाँ सीसी रोड पर अंदर जो अप्रोच रोड बनी है वहाँ पर आप देख सकते हैं सलाखें पड़ी हुई दिख रही हैं। इसका मतलब अभी भी यहाँ निर्माण कार्य जारी हैं। लगभग 6-7 सालों से ये भवन जर्जर हो चुका है। यहाँ इस पूरे परिसर की अगर सफाई कराई जाकर, यहाँ ये देखिए आप, लकड़ियाँ भी पड़ी दिख रही हैं, वृक्ष भी कटा हुआ दिख रहा है, कितनी झाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, झाड़ झंकाड़ के बीच में न जाने कितने विषैले जंतु यहाँ विचरण कर रहे होंगे। जो ये कॉलोनी जो पीछे आप लाल रंग का मकान देख रहे हैं, एक बाजू में मकान, ये सारे के सारे समता नगर के HIG मकान हैं। यहाँ पर विषैले जीव जंतु लोगों के घरों में प्रवेश कर रहे हैं, कंबल कीड़े प्रवेश कर रहे हैं। इस बात के को लेकर पॉलिटेक्निक प्रशासन पूरी तरह उदासीन ही नज़र आता है। ये मुख्य द्वार है इस गर्ल्स हॉस्टल का, ये पूरी चार दीवारी से घिरा ये गर्ल्स हॉस्टल हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सुधीर श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट है। ये देखिए आप पीछे जो देख रहे हैं, ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का नज़ारा है। और ये जो भवन देख रहे हैं, ये कन्या छात्रावास का भवन है। यहाँ आप देख सकते हैं रेत पड़ी हुई है, इसका तात्पर्य बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, 2013 अक्टूबर में इसे पूरा कर लिया जाना चाहिए था, किंतु 2020 की जुलाई समाप्त होने को आ रही है। इतने सालों बाद भी इस कन्या छात्रावास को अभी तक आरंभ नहीं कराया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को यह भी बताया कि इस पॉलिटेक्निक इस गर्ल्स हॉस्टल में अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं हो पाया है। यहाँ गार्ड का एक रूम भी अभी फिलहाल कुछ 2 या 3-4 महीने पहले ही तैयार कराया गया, ऐसा सूत्रों का कहना है। ये आपको हम ये बोर्ड दिखा रहे हैं, ये बोर्ड हमने आपको शुरू में भी दिखाया था। गर्ल्स हॉस्टल का ये नज़ारा है, पॉलिटेक्निक का ये गर्ल्स हॉस्टल है जो 11 जनवरी 2013 को निर्माण कार्य आरंभ हुआ था। 9 महीने में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिए था, पर अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इससे बड़ी विडंबना क्या मानी जा सकती है। इस बारे में अभी तक विधानसभा में एक बार भी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सुधीर श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट है। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हम इजाजत लेते हैं, नमस्कार। Thank you.